आज 18 दिसंबर जो है एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे है। तो ऑल इंडिया मिलिक काउंसिल की तरफ से हर साल की तरह जो है आज के दिन को माइनॉरिटी राइट्स डे को सेलिब्रेट और कमेमोरेट किया जाता है, ताकि हम तमाम माइनॉरिटीज़ जो एज़ पर द गवर्नमेंट जो डिफाइन किए गए हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, जो पारसीस हैं, बुद्ध कम्युनिटी के हैं और सिख कम्युनिटी, तो हम लोग यहाँ पर जो है सब कम्युनिटीज़ के नुमाइंदों को जमा करते हैं और सबके जो है ख्यालात का इजहार करवाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी राइट्स जो दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, उन राइट्स का वायलेशन किस तरह से होता है, कौन वायलेशन करता है और इस राइट्स को किस तरह से हम लोग महफूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी राइट्स एंड एज़ पर द गवर्नमेंट यू नो प्रोविजंस टू द माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज सो दैट दे कैन कम टू द मेन स्ट्रीम एंड दे कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द यू नो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड कम टू अ लेवल ऑफ यू नो अकोमोडेशन विद द अदर यू नो मेजॉरिटी कम्युनिटीज। तो इस सिलसिले में जो है आज का प्रोग्राम बुलाया गया। बिकॉज ऑफ द ब्रूट मेजॉरिटी द माइनॉरिटीज फील threatened because we see there are so many, we have seen Article 370, we have seen the CA protest, we have also seen what is happening with the triple talaq, etc. I feel that there is a dilution of these rights. ये बहुत ही आम बात है देखने के लिए देश में आज कि काफ़ी हद तक जो है राइट्स प्रॉपर तौर पे दिए नहीं जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे की बात नहीं है, एक तो दो चीज़ें हैं, अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी और एकता बढ़ेगी तो हाँ ज़रूर ले पाएंगे इस बात को। अगर हम फ्रैगमेंटेड तौर पे जैसे थोड़े थोड़े जाके करेंगे इस बात को तो ये बहुत मुश्किल रहेगा कि हम अपने राइट्स लें। दूसरी बात ये है जो सेक्युलरिज्म को है उसको प्रॉपर तौर पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको प्रैक्टिकल तौर पर प्रशासन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखे। अगर 70 साल से बहुत लोग अमन शांति से रह रहे हैं तो आगे क्यों नहीं वो अपने हकूक के साथ रह सकते हैं। ये ज़रूरी है बाकायदा वो एजुकेशन की बारे में हो, राइट्स के बारे में हो, फ्रीडम ऑफ लिविंग एज पर योर चॉइस ऑफ व्हाट रिलीजन यू नीड टू स्टे इन, अबाउट जॉब्स के बारे में हो, तो ये ज़रूर बात है कि इसमें घटते सरगर्मता देखने को मिल रहा है देश में। के मुल्क में 9 किस्म के माइनॉरिटी हैं। पहली माइनॉरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारी मुस्लिम कौम है, दूसरी माइनॉरिटी सिख है, तीसरी लिंगायत है, चौथी बुद्ध है, पांचवी जैन है, छठी जो है ईसाइत है, उसके बाद और एक 3 माइनॉरिटी हैं जिनके अंदर उनकी कौम में जो है बढ़ोतरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ब्राह्मण है, दूसरा यहूदीज़म है और तीसरा जो है वो पारसी है। ये 3 को हटा दीजिए, ये तो मुल्क के हैं नहीं। बाकी ये जो 6 माइनॉरिटी हैं इनके कोई हकूक आज मुल्क में महफूज नहीं है। हम लोगों में यूनिटी कम नज़र आ रही है, यूनिटी नहीं है, हम लोग बिछड़ गए हैं। हर कौम के लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। हम लोगों को सब साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर सब काम करना चाहिए, तो हमारे पावर जो होंगे, हमारे राइट्स जो है, हमें सब मिल सकते हैं सरकार की ओर से, और हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए समाज के साथ। हम सब लोग हिंदुस्तान के हैं और तो ये बहुत अहम वक्त है, जो माहौल भी है इस वक्त मुल्क का, उसमें इंसानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बिलखसूस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना सीखें, उनको एक्टिवेट करें, और जहां वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं वहां उनको हम पकड़ें, उनकी तंबीह करें। तो ये पूरा प्रोसेस इस वक्त ज़रूरी है और माइनॉरिटीज़ डे के मौके से हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस और कानूनों के बारे में और पढ़ें और समझें और अलग अलग तरीके से इनको इस्तेमाल करने और अकाउंटेबल बनाने की कोशिश शुरू करें।